तो गाइस बात ये है ना, वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं हुआ मेरे को, तो आज टाइम मिल चुका है वीडियो बनाने का। आज एक मस्त सी प्यारी सी आज आपके लिए एक वीडियो बनाई जाएगी। मैंने आपको आपके लिए वीडियो नहीं बनाई कुछ नहीं, मैं गाइस टाइम नहीं हो पाता, गाइस टाइम एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था, तो आज मेरे को टाइम मिल चुका है वीडियो बनाने का। फिर से आज से हम अपनी डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। बस अपना फ्लो अप बन चुका है, अभी कभी नहीं टूटेगा। तो ये रहे हमारे बड़े भैया जो करेंगे मंदिर में पूजा, धोती पहन कर तैयार हो चुके हैं भैया। तो ये जो मंदिर है सबसे ऊंचाई में है, ईस्ट दिखाता हूँ आपको, मैं सभी कुछ दिखाऊंगा। इसमें चार साइड से रास्ते हैं और चारों साइड के जो आते हैं लोग पूजा करके, पूजा करने के लिए यहाँ, उनके लिए एक पत्थर है यहाँ पर कुछ सामान वामान रखने के लिए। ये रहा चमराजू का मंदिर, और ये छेद दिख रहे ना, जो कि मंदिर जो है, ये मंदिर बना है कत्यूर वंश में बनाया शायद, और ये छेद बना रखे हैं इसमें, ये नाखून के ही हैं सारे निशान, ये सारा नाखून से किया गया है। और ना ही इसमें कुछ, ना ही सीमेंट, ना ही बजरी, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया गया, लोहा हुआ, ये खाली पत्थरों से ही बना है। और एक खासियत इस मंदिर की है, जो ये मंदिर बना, ये मंदिर एक रात में ही बना है। ये हमारी मिस्ट्री भी आ चुकी है इधर, आ गया था, बजाओ मिस्ट्री बजाओ। हमारी मौसी ताई जी लोग सभी आ रखे थे मंदिर में, उनका प्लान था काफ़ी समय से कि मंदिर में जाएंगे करके, तो आज सुबह ही बनाए प्लान, तो हम मंदिर में आ चुके हैं आज। यहाँ आपको दिखाते हैं मंदिर में आगे बस वीडियो में बने रहे हैं। तो 8 या 9 लोग आ रखे थे आज, और अपने वहाँ का रास्ता दिखाते, जहाँ से हम आए थे वहाँ का टूर दिखाते तुमको। हमने एंट्री यहाँ से ली थी, हम यहाँ से आए थे ऊपर को, और ये जब भी पूजा वूजा होती है तो उसके बाद एक कपड़ा टाँगते हैं इधर, कपड़ा टाँगने के बाद प्रसादी और सभी बांट के सब घर को जाते हैं। मेरे को तो सही मज़ा में नहीं आया गाइस कि इतने बड़े नाखून मतलब कैसे कर लिया होगा ये। जय शिव शंभू, और इतना बड़ा पत्थर देखते हैं